अगली यूनिट हमारी यूनिट नंबर 5 है, और यूनिट नंबर 5 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डीजल जनरेटर सेट। तो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और इसको थोड़ा समझते हैं कि ये होता क्या है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि डीजल जनरेटर सेट के बारे में बताओ और इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है पावर सप्लाई में और पावर को या एनर्जी को कंजर्व करने में। और दूसरा ये पूछ सकता है कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं और किस प्रकार से इसको हम व्यावहारिक रूप से इस्तेमाल करते हैं। तो इससे मिला जुला के कुछ क्वेश्चन इससे बन सकता है, तो चलिए इसको समझते हैं। देखो, डीजल जनरेटर सेट जैसे नाम से क्लियर है कि ये एक जनरेटर है, ठीक है। और आपको पता है कि जनरेटर का काम क्या होता है, जनरेटर को एक अल्टरनेटर भी कहते हैं। तो अल्टरनेटर या जनरेटर का काम होता है कि एसी को प्रोड्यूस करना, एसी करंट को प्रोड्यूस करना, ठीक है। मतलब विद्युत ऊर्जा को हम इससे प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो जनरेटर से, जनरेटर के द्वारा, सपोज जनरेटर है और जनरेटर को द्वारा हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, तो इस जनरेटर को चलाने के लिए हमारे पास कुछ ईंधन की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ईंधन के रूप में हमारे पास डीजल सेट होता है, सॉरी कैंसिल हो गया, ठीक है। जनरेटर है, जनरेटर को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, तो ये हो गया आपके पास डीजल इंजन, ठीक है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को, डीजल इंजन और जनरेटर के कॉम्बिनेशन को ही कहा जाता है डीजल जनरेटर सेट, ठीक है। करते क्या है कि हम इस जनरेटर द्वारा हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जहाँ जहाँ हमारे मतलब पावर सिस्टम से ले करके और हमारे घरों तक जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, तो होता क्या है कि उसमें कई तरह के लॉसेस होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, लॉसेस के अलावा भी कभी कभी सप्लाई में कमी हो जाती है और हमारी मांग ज़्यादा होती है, तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। अब देखो, डीजल जनरेटर सेट के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके लिए इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखो, होता क्या है ना कि जैसे जैसे मान लो कि जब भी किसी प्लांट से बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है, तो सबसे पहले बिजली को हम बेटा ग्रिड पे बेचते हैं, ठीक है, ग्रिड पे हम उसको बेचते हैं। और ग्रिड के द्वारा इस बिजली को देश के विभिन्न कोनों में तारों के माध्यम से हम इसको भेजते हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन बताया था, सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में, वो इसी का एक छोटा सा पार्ट था, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर आपको अगर थोड़ा समझना है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी हमें इमरजेंसी में विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो डीजल जनरेटर सेट द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, ग्रिड पे बिजली की आवश्यकता ज़्यादा होती है, हमारी मांग, हमारी प्रोडक्शन कम होती है। या कभी कभी क्या होता है कि जैसे ग्रिड फेल होने की कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। और इमरजेंसी में भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि कभी हमें ज़्यादा पावर की आवश्यकता हो गई। तो कुल मिला करके ये कहने का अर्थ है कि डीजल जनरेटर सेट से हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन ही करते हैं, ठीक है। चलो, अब थोड़ा देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो ध्यान से देखना, ये एक डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। देखो, एक है डीजल इंजन और इसी जनरेटर, और ये डायग्राम ध्यान से देखो, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। ये बात समझो कि किसी भी जनरेटर को चलाने के लिए, ठीक है ना, मैंने बताया कि ईंधन की आवश्यकता होगी। वो ईंधन हमें मान लिया कि डीजल ही है, इसमें हम डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ जो होता है कि जनरेटर जो होता है, ये अल्टरनेटर होता है। जब भी हम जनरेटर या अल्टरनेटर को स्टार्ट करना होता है, हालांकि ये बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा एक्साइटेशन, ठीक है, एक्साइटेशन। तो जब हम एक्साइटेशन करते हैं, दैट मीन्स जब जनरेटर का हम एक्साइटेशन करते हैं, तो कुल मिला करके हम उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। और कंट्रोल मतलब कि कितना हम जनरेटर की आउटपुट को कंट्रोल कर रहे हैं और कितना उससे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसको हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जनरेटर से जो हमें विद्युत ऊर्जा मिली है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी,
इसको हम बेटा कंट्रोल करते हैं यूजिंग एक्साइटेशन, और फिर जब ये प्रोडक्शन हो जाता है तो इसको हम बेटा लोड पे भेज देते हैं। ठीक है, लोड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी हमारे पास सपोज जैसे लोड हमारे घरों में जैसे फैन है, ट्यूबलाइट है, एसी है, फ्रिज है, कुछ भी है, तो ये लोड हुआ तो हम इसको लोड की तरफ भेज सकते हैं। ठीक है, और चूँकि ये डीजल जनरेटर सेट जो बेटा बड़े ज़्यादा साइज के होते हैं, बहुत हैवी साइज के होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े सेट होते हैं, तो इसकी हम फाउंडेशनिंग भी करते हैं। ठीक है, इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, तो बेटा ये सारा चीज़ यहाँ डायग्राम में दिखाया है, डीजल इंजन या जनरेटर लगा हुआ है, इसको कंट्रोल करने के लिए बेटा कंट्रोल है, एक्साइटेशन कंट्रोल है, और इसको हम लोड पे फिर भेज सकते हैं। बाकी फ्यूल को कंट्रोल करने के लिए फ्यूल कंट्रोलर यहाँ पे, और इस पूरे सेट को फाउंडेशन देने के लिए ये फाउंडेशन होता है। तो कुल मिलाकर के इसमें इतना ही है कि एक डीजल जनरेटर सेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कि डीजल इंजन, एसी जनरेटर, जनरेटर को कंट्रोल करने के लिए एक्साइटेशन कंट्रोल करते हैं, और उससे जो हमें आउटपुट मिलता है उसको हम लोड में देते हैं। ठीक है, और बाकी जैसे कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे जब हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो बेटा स्विच गियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसके द्वारा हम नियंत्रण करते हैं कि कितनी पावर का कितना हम इनपुट है, कितना आउटपुट है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का हम उससे ये एक तरीके से हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो डीजल इंजन सेट का हमारा इस्तेमाल यहाँ होता है। फिर यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से ये बन सकता है कि ये होता क्या है, इस्तेमाल कहाँ करते हैं, और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो कंपोनेंट्स आप देख लेना बेटा, यही चीज़ें हैं, एक डीजल इंजन का सेट है, जनरेटर है, स्विच गियर है, पावर फाउंडेशन है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक हम फिर लेकर कुछ आएंगे। ओके, थैंक यू।